हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 3 जून 2019 है। मैंने निफ्टी पे अपडेट आपको मंथली पहले नेक्स्ट वीक का तो दिया हुआ है, मंथली भी दिया हुआ है। 100% ये निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, आप इसके भ्रम में मत फंसिएगा कि 112,000 ऊपर चला गया तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा। जरूर 12,050 का लेवल, 60 का लेवल जो है उसको क्रॉस किया है तो ये ऊपर की साइड लेगा, लेकिन बहुत ऊपर नहीं ले सकता। 12,350 मैक्सिमम है, यहाँ तक जाएगा। मार्केट बेरिश है, आप इसको ध्यान में रखना, कहीं बाइंग सेंटीमेंट में फॉल मत कर जाना। इनको तोड़ना है, एक नया हाई बनाना है, आपको ऊपर फंसाना है और फिर नीचे जाना है। तो यही इसकी कहानी है और ऐसी कहानी चलेगी इसकी। अभी चलिए एक बार इसको देख लेते हैं आज हुआ क्या है। तो इसने क्या किया, 44 एडवांसेस से 6 डिक्लाइन है, 12,088 पॉइंट का ऊपर की ओर जा गया है। और निफ्टी 50 पे चार्ट भी देखेंगे तो इसने क्या किया, इस इंगल को पूरा को पूरे लॉस को यहाँ क्रॉस करके, जो कि मैंने आपको बोला था 12,060 अगर क्रॉस करता है तो ये ऊपर ले जाएगा। और ये एक बुलिश पैटर्न के रूप में ये गया हुआ है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखता है कि एक बुलिशनेस है। तो नीचे की ओर वापस आपको वही सपोर्ट हो जाएगा। आप इनफैक्ट 12,000 अगर टूटता है तो वापस आपको 12,000 का सपोर्ट ले लीजिए आप, और 12,000 के सपोर्ट से आप इसमें लॉन्ग पोजीशन की ओर जा सकते हैं। आप देखिए ये जो बुलिश पैटर्न बनाया है, अच्छा एक पैटर्न है और यहाँ ऊपर से ऊपर की ओर जाते गया आज, और अच्छी पैटर्न को लेते गया ये। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा चीज़ है, सिग्नल है। चलिए ऊपर गया कोई बात नहीं, नीचे नहीं गया जाने दीजिए। अब क्या, अब डेरिवेटिव में इसको जाकर के एक बार आज अगर एक बार इंडेक्स भी देख लेते हैं, तो इंडेक्स भी एक बार इसको चेक, इंडेक्स भी देखेंगे तो आपको सारे यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव दिख रहा है, और विक्स जो है निगेटिव हुआ है, और सारे में गेन आया है, निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, जो भी है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक में भी आज थोड़ा सा गेन मिला, उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए, लेकिन निफ्टी 50 अच्छा आज परफॉर्म किया है। ओपन होता है 11,953 पे, हाई बनाता है 12,103 का, और 11,920 का लो बनाता है। मेरे को डेरिवेटिव में एक अच्छी स्ट्रेटजी दिख रही थी, इसलिए मैं आज देखेंगे, आज 6 जून की एक्सपायरी को देख रहा हूँ जो कि 12,088 पे क्लोज हुआ है। तो 6 जून की एक्सपायरी देखेंगे आप, और एट द मनी 12,088 है तो 12,000 पे देखेंगे तो एक चीज़ देखिए आपको जो देखने को मिलेगा 12,000 पे, 21,39,000 सिर्फ शॉर्ट की पोजिशन बनाई गई है और राइटिंग की गई है। 25,95,000 है, मैं सिर्फ इस एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ। तो 12,000 अब इस एक्सपायरी को नहीं टूटेगा क्योंकि बुधवार को ईद उल फितर की छुट्टी है, तो मार्केट कल खुला है परसों बंद है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो वैल्यूएशन है आपको नीचे की ओर जो है पुट की ओर बहुत वैल्यूएशन मिल रही है उसको, तो ये पुट की वैल्यू को ज़्यादा खाने की कोशिश करेगा। आप देखिए ऊपर की जो वैल्यूएशन है ऊपर की ओर जो है, इसको लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसके देखेंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं मिल रहा है, 41.24.11.9 मिल रहा है। लास्ट डेट प्राइस जो है इसकी 81.4 यही है, तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा खास फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप शॉर्ट की पोजीशन देखें तो इसको यहाँ पे 130 रुपये, 173 रुपये, 184 रुपये ऐसी पोजीशन मिल रहा है। इसके कारण मोस्ट प्रोबेबली ये शॉर्ट की पोजीशन ओवरलुक बना रहा है और 12,000 को नहीं तोड़ेगा क्योंकि 21,39,000 है, एक्सपायरी तक की बात बता रहा हूँ। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो किसी भी हालत में 12,350 क्रॉस ये नहीं करने वाला है। इनफैक्ट आप देखेंगे 12,150 पे सबसे ज़्यादा आज पोजीशन बना है 4,05,000 का, तो कहीं से कहीं 12,000 से 12,150, 12,200 पे भी अनवाइंडिंग की पोजीशन चालू है। तो 12,200 तक जाते जाते शायद आपको दम निकलेगा इसका, तो बहुत ऊपर नहीं जाना है इसको कोई भी चाहे तो। अगर आपको ये देखना है या लेना है तो आप चाहें तो 12,200 का, जबकि 17 रुपये की प्राइस पे क्लोजिंग हुई है, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है, तो आपको 12,000 का ही, जो कि 12,100 का 54 रुपये पे है, 12,200 का 17 रुपये पे है, तो आप चाहे तो इसको एक नेकेड अगर बनाना चाहते हैं तो 12,200 का कॉल लेके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कल आपको एग्जिट करना पड़ेगा अगर ये पोजीशन नहीं देता है तो आपको 12,100 का तो 54 रुपये पे देता है, ये कॉस्टली है, बट आप इसको पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं। मैं सिर्फ ये पुलिस आपको बताया था कि अगर 12,050 बना कर 60 वक्त क्रॉस करता है तो आपको पुलिस पोजीशन में 12,200 12,300 के लिए आएगा। आप देखिए 12,400 पे वापस शॉर्ट की पोजीशन चालू है, 1,86,000 से शॉर्ट किया हुआ है। मीन्स रेंज का जो दायरा आप देखेंगे 12,000 ऊपर इस पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 12,100 पे भी शॉर्ट की पोजीशन चालू कर दी है। मीन्स 12,100 भी पे भी मार्केट नहीं रुकेगा, 3,85,000 से 4,51,000 का है, तो मार्केट 12,100 से ऊपर ही जाएगा। तो अगर आप 12,100 पे 54 रुपये पे मिलता है अगर इसको लेते हैं तो भी आपको फायदा देखने को मिल सकता है, जिसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 54 रुपये 50 पैसा। तो आप इस पे भी चाहें तो ट्रेड करके देख सकते हैं, वॉच लिस्ट रख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा।
अब देखिए जब यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा 54 रुपये 50 पैसे। तो थोड़ा स्क्रीन ऊपर नीचे हो जाता है इसको जब ज़्यादा डिस्प्ले करके देखते हैं। तो यही कहना है कि हो सकता है इस एक्सपायरी को आपको ऊपर की ओर 12150 12200 तक जाते हुए भी दिखेगा। 12000 12100 पे जब शॉर्टिंग की पोजीशन चालू है तो आप समझिए कि 12100 भी शायद नहीं तोड़ेगा नीचे। ये एक्सपायरी को आप चाहें तो आप ऊपर, ये इंट्राडे पोजीशन है कल के लिए है बस, और ज़्यादा पोजीशन है तो 4 जून के लिए आप चाहें तो कॉल की पोजीशन में रह सकते हैं। 12000 का स्टॉप लॉस लगा के आप खड़े रह सकते हैं, इस लॉन्ग पोजीशन को बना सकते हैं, या 12100 को जो कि आपको 54 में मिल रहा है यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। बट अगर 12000 टूटता है किसी भी कारण से, 12000 टूटता है, 11950 इनफैक्ट टूटता है, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन एग्जिट कर जानी है, लॉन्ग की पोजीशन एग्जिट कर जानी है। ये मेरा सिर्फ एक व्यू था क्योंकि आज मार्केट एक सरप्राइज रूप से चार्ट बनाते हुए ये ऊपर की ओर ले गया, तो एक सरप्राइज ही था, और सरप्राइज जब क्रॉस किया है तो ये अभी सस्टेन कर सकता है। और इसके लास्ट अगर 30 मिनट में देखेंगे तो ये कोई ख़राब पोजीशन नहीं है, यहाँ से भी एक अपसाइड ही ले रहा है तो अपसाइड ले सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकता है। तो आप चाहें तो इस पे 12300 के लिए 12200 250 तक ये जा सकता है, इससे ज़्यादा तो 150 तो कल आपको शायद ओपनिंग में भी मिल सकता है और वहाँ से 200, लेकिन ये बहुत ऊपर नहीं जाएगा। आप स्ट्रिक्ट आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ऊपर नहीं जाने वाला है। अब आपको जो था इसका एक्सट्रीम वो शायद ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पे भी ट्रेड डेरिवेटिव ट्रेडिंग वैल्यू से भी देखें तो आपको देख रहा है कि वो आपको ऊपर की ओर जाते हुए दिख रहा है। अब यहाँ से भी देखेंगे तो आपको 11200 इनफैक्ट आपको देखेंगे तो यहाँ पे 12400 भी शॉर्ट की पोजीशन चालू है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये मेरा सिर्फ ओपिनियन था इंट्राडे पोजीशन के लिए निफ्टी पे, मेरा कोई भी व्यू बाइंग और सेलिंग का नहीं है। अगर कोई भी आप बाय और सेल करते हैं तो आप अपने रिस्क पे कीजिए, क्योंकि आपका रिस्क एपेटाइट है, आपको मालूम होगा आपका रिस्क कितना है। और आज FI ने भी बाइंग की है, इसके चक्कर में भी आपका आप देखेंगे तो FI ट्रेडिंग एक्टिविटी भी देख लीजिए तो 3000 करोड़ की बाइंग कर ली है। अब ये सेलर थे, अभी बायर बन गए, इसके कारण सिर्फ सेलर 462 करोड़ से हुआ, इसके कारण सिर्फ मार्केट अप लिया और कोई रीजन नहीं है। तो इसमें निफ्टी में एक बुलिश सेंटीमेंट बना है, 12150 12250 तक ये जा सकता है, लेकिन आपको जो भी पोजीशन बने कॉशियसली बने, ध्यान से बने। मार्केट बहुत ज़्यादा हाईली पॉजिटिव मतलब बुलिश में है, बाइंग सेंटीमेंट हाईली बाउट में है, तो आपको कभी भी फॉल दिखेगा और अच्छा खासा फॉल दिख सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।